जी, वेलकम टू चूलो आसमान। हाँ, आज जो हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि आज हम विमेन एम्पावरमेंट पे बात करने वाले हैं, जो हमारा सेगमेंट है। जरा सोचिए। जी, विमेन एम्पावरमेंट की बात आती है तो सबसे पहले औरतों का विजन, औरतों की डायरेक्शन, उनके लिए क्या चीज़ें हो रही हैं इस मुल्क में, क्या नहीं हो रही, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे बड़ी मिसाल हमारी इंस्पिरेशन जो है, वो जाहिर है हमेशा ही मैं कहती हूँ और हमारे शो पर भी दो दफ़ा आ चुकी हैं, खुशबख्श शुजात हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बिल्कुल, सबसे पहले तो बहुत मुबारक आपको जलसे की। आपको भी बहुत, मुझे भी बहुत मुबारक। मुझे तो पता नहीं था, वरना मैं जरूर सुबह सुबह उठ के आती जरूर। कैसे पता नहीं था? इतनी पता था, लेकिन मुझे ये था कि मैं अब जाऊं मॉर्निंग शो के लिए जाऊं या वैसे जाऊं। और फिर आपको पता है संडे एक ऐसा दिन होता है। जी बिल्कुल, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए, आपने बहुत अच्छा जुमला कह दिया कि संडे एक ऐसा दिन होता है। वहाँ जो लाखों औरतें आई थी, उनका भी वो संडे था, संडे था। लेकिन इट शोज के हमारी जो ख्वातीन हैं, उनको अगर कोई प्लेटफॉर्म दिया जाए और उन्हें कोई मौका दिया जाए, फराहम किया जाए कि वो अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी स्ट्रेंथ दिखाएं, अपना इत्तेहाद दिखाएं, तो वो किस तरह भाग के वहाँ पहुँचती जी आप। बिल्कुल। और आप यकीन करें आमना, कि कोई तकरीबन चार दिन से, चार पाँच दिन, रात भर वहाँ मेले का समा था। अच्छा। पूरी पूरी रात 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार खवातीन, मर्द, हजरात, बच्चे, उनका, उनकी पूरी पूरी फैमिली, बुजुर्ग, पूरी पूरी रात दे वर लाइक के जैसे ईद का इंतजार करते हैं। ऐसे आखिरी अशरा होता है जी, और ईद आने वाली होती है, बिल्कुल वो समा, वो समा था। हर रात वहाँ बिल्कुल जैसे कि चांद रात थी। ठीक। चूड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, मेहंदियाँ लगाई जा रही हैं, फेस पेंटिंग बच्चे झंडों की करा रहे हैं, एक अजीब किस्म का एक जज्बा और जोश। तो वो जो एक पूरा सीन नजर आया लोगों को, जो एक कैफियत नजर आई है, असल में वो जलसा जो था वो एक कैफियत का नाम था। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस जलसे का जो मकसद था वो आपको लगा कि पूरा हुआ? देखिए, कोई भी मकसद इन अ मिनट पूरा नहीं होता, उसका रिजल्ट भी और फौरन ही, किसी ख्वाब की फौरन ताबीर नहीं मिलती, लेकिन ख्वाब तो देखना चाहिए ना। जी बिल्कुल। कम से कम उस दिन आंखों में ख्वाब तो जागा ख्वातीन के। सही। और इस माहौल में जहां लोगों को बेख्तियार बनाया जा रहा है, मजलूम बनाया जा रहा है, उन्हें तकलीफें दी जा रही, वहाँ एक आवाज उभर कर आई कि बाइख्तियार औरत। हाँ। ये एक बहुत बड़ा नारा है। सही। यानी तहरीके पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बनाओ का नारा था ना, उसके बाद अगर दूसरा बड़ा नारा किसी ने लगाया, बोलता हूँ भाई बाइख्तियार औरत, ये एक बहुत जबरदस्त बात है। और इंशाल्लाह ये मकसद पूरा होगा, क्योंकि जिस जोश और जज्बे के साथ उसका आगाज हुआ है, अब ये सफर शुरू हो गया। अच्छा आपा, अभी आप इतने सालों से इस चीज का काम, इसी टॉपिक पे हम काफी बात भी कर रहे हैं, हर जगह विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, हर चीज हो रही है। मुझे ये बताएं, कुछ चेंजेस आपको नजर आई हैं पहले से अब तक? बहुत नजर आई हैं। आप यहाँ बैठी हैं, मैं यहाँ बैठी, मैं वहां से पहले आप यहाँ होती थी, और यहाँ तक आना जी, ये भी एक औरत के लिए, एक खातून के लिए, एक पाकिस्तानी खातून के लिए बहुत बड़ा सफर है, और वो सफर तय हुआ है। लेकिन उस सफर में बहुत मुश्किलात हैं। लेकिन आपने देखा कि अभी भी कितने ऐसे लोग हैं जो पेटी माइंड है, और ये कहते हैं कि ये देखो ये टीवी पे बैठ गई है और ये कर रही है। कुछ लोग काफी तो एक्चुअली तो माइंड सेट चेंज करना है ना। जी बिल्कुल। ये कोई तब्दीली, मैंने आपसे कहा ना, ये जो वक्त के साथ तब्दीली आएगी और इसमें वक्त लगेगा, ये जरूर हुआ है कि कल के पाकिस्तान में और आज के पाकिस्तान में ये फर्क है कि ख्वातीन ने एक सफर तय किया, खुद बड़ी हिम्मत से, बहुत मेहनत से अपने रास्ते के कांटे चुने, आने वाली ख्वातीन के लिए रास्ते बनाए, अपनी उंगलियां फिगार की, अपने पाँव मछाले डाले, लेकिन और ख्वातीन के लिए रास्ते बनाए। बिल्कुल। आप देखिए ना, आप कह रही हैं कि अभी भी लोग बुरा मानते हैं। ऑफ कोर्स, जब मैं मीडिया में आई थी तो मेरे लिए भी ये कहा गया, यकीनन सोचा गया, और मेरे वालिद से कि ये क्या गजब कर दिया, किस जगह आपने डाल दिया बच्ची को। फिर जब मैं सियासत में आई तो लोगों ने यही सवाल तो कुछ मीडियम्स ऐसे हैं जिनको ख्वातीन के लिए उन्होंने ममनू करार दे दिया, शजरे ममनुआ बना दिया। बिल्कुल। ताकि औरतें उधर जाए नहीं, लेकिन ये है कि फिर मैं ये कहूँगी कि मुआशरा तब्दीली की तरफ जा रहा है। हाँ। और उसके लिए मेहनत बहुत करना है। हम ये नहीं सोच सकते कि सब कोई, अगर मैं और आप दो लोग यहाँ आ गए तो जी सारा पाकिस्तान संवर गया और सबका माइंडसेट चेंज हो, नहीं ऐसा नहीं है।
हमें अभी अपनी उन बहनों के लिए काम करना है जिनको ये इख्तियारात नहीं मिले जो मुझे और आपको मिले। ठीक है, अच्छा मुझे एक और आज हमने जो सवाल भी रखा हुआ है व्यूअर्स के लिए, मैं चाहती हूँ हमें कॉल्स करें और हमसे इस पे बात करें कि ये सवाल ही मैंने इसलिए रखा कि ताकि लोगों की पता तो चले कि बैक ऑफ द माइंड उनके है क्या, कि एक खातून अपनी तरक्की उसकी तरक्की के लिए क्या जरूरी है कि एक आदमी की तावुन या उसकी सपोर्ट से ही एक औरत तरक्की कर सकती है। ये सवाल आपने लोगों को दिया है, ये दिया है कि मैं चाहती हूँ मैं आपसे भी देखिए मैं बहुत सी ऐसी सिंगल मदर्स को जानती हूँ, सिंगल खवातीन को जानती हूँ जो अकेले जिन्होंने खड़े होकर बहुत बड़े बड़े काम किए, बहुत काम किए और उन्होंने बहुत फातिमा जिना आपके लिए पहली है, मैं आपको तहरीके पाकिस्तान से शुरू कर दूं बात कि मोहतरमा फातिमा जिना जो थी लेकिन उसके साथ साथ उनके भाई शाना बशाना थे। अब यहाँ दो बातें हैं आमना, ये बहुत डिबेटेबल पॉइंट है, मेरी बहुत सी ऐसी मिसालें मैं आपको दे सकती हूँ जो तन्हा औरत जो है उसे बड़ी हिम्मत की बहुत मेहनत की और एक मकाम पे पहुँच गई, लेकिन अगर आप उसकी ज़िंदगी में देखें तो उसका उसके वालिद उसके भाई उसके उसका अगर कोई शौहर रहा है तो वो और नहीं तो उसका बेटा, ये मर्द हजरात जो उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं, बहरहाल रोल अदा करते हैं, अगर इनका साथ आपके साथ मुआविन हो ये तो आप एक बहुत भरपूर तरीके से काम करते हैं, वरना कर तो लेती हैं खवातीन, उन्हें बैरूनी मामलात में बहुत से मसाइल का सामना करना बिल्कुल यही यही क्योंकि हमें पूरे मुआशरे से फिर लड़ना पड़ता है जंग, वरना वो एक शख्स जो है उससे आपका रब्ता रहता है, वो शख्स आप एक शख्स से जज्बाती लड़ाई भी उसी से हो रही होती है, नफ्सियाती लड़ाई भी उसी से हो रही है, सारे मामलात एक शख्स के साथ, फिर पूरा मुआशरा होता है, आप अकेले खड़े होते हैं, सर पे आपके साहिबान नहीं होता और आप तो मैं बहुत काबिल कदर हैं वो खवातीन मेरी निगाहों में जिन्होंने इस तरह कामयाबी हासिल की, लेकिन मैं अगर अपनी मिसाल दूँ तो मैं क्रेडिट दूंगी, मैं खराज तहसीन अपने वालिद को, मैं अपने भाई को, अपने शौहर को, अपने ससुर को और मैं अपने बेटों को मैं दूंगी खराज तहसीन, क्योंकि उनका जो सपोर्ट थी आपके भरपूर साथ था उसने मेरे एतमाद को कहां से कहां पहुंचा दिया। एक कॉल है हमारे साथ, आपका मैं लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूं और मैं जितनी खुश हूं कि आज ना आसमान पर दो नहीं एक नहीं दो चांद निकले हुए। अच्छा, और सुबह सुबह निकल आए और तीसरा चांद हमसे बात कर रहे हैं, सुबह सुबह निकल आए ये देखें हम और तीसरा चांद हमें कॉल कर रहे हैं। थैंक यू, आपने मुझे कहा बोला, थैंक यू सो मच। आप यकीन कीजिए आप तो मेरी फेवरेट है, मेरे खुशबख्त आप मेरी इतने फेवरेट है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत शुक्रिया, मैंने शुरू से इनको, मैंने पहले भी इनसे मेरी बात हुई थी तो मैंने इनको बताया था, आज फिर मैं बता रही हूँ कि जब ये मैं इनको देखती थी ना तो मैं इनकी नकल करती थी बाकायदा ना, और मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ही ज्यादा। बहुत शुक्रिया आयशा, थैंक यू। मैं भी इनका जलसा अटेंड करूं, मैं इनसे मिलूं, मेरी सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश है ये। जरूर आप एनी टाइम, ये मुल्तान टाइम, आप ओके, हम मुल्तान भी आए थे, हमने बहुत बड़ा जलसा किया था। मुझे नहीं पता चला, अब जब भी आप मुझे पता चला तो मैं जरूर पहुंचूंगी। आप अपना टेलीफोन नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपसे ले लूंगी एंड आई विल कांटेक्ट विद यू, मैं खुद आपसे कांटेक्ट। बहुत ही खुशी की बात है मेरे लिए। अच्छा, आज जो मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है उसके ऊपर कुछ बात करेंगी? जी, मैं जरूर उस पर बात करूंगी। देखिए मर्दों की सपोर्ट के बगैर औरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम लोग पांच बहनें थी, हमारे अब्बू ने मेरे भाइयों ने हमें फुल सपोर्ट किया, हमें एजुकेशन दिलवाई जितनी हमने चाही, जो हमने चाहा सबको वही उसी तरीके से दी। फिर उसके बाद अब मेरी शादी हो गई है और जो है मेरे हस्बैंड मेरी फुल सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं जिस जो तुम करना चाहती हो करो, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। तो इसी तरह मैं आगे अपने बच्चों की इसी तरह कर रही हूँ और अपने बेटों को समझाती हूँ कि बहन जो है मेरी एक ही बेटी के बारे में, यानी कि मर्दों की सपोर्ट के बगैर औरत ना बाहर निकल सकती है। मुझे आपकी आपकी कॉल कट करनी पड़ेगी, हमारे यहाँ एक अर्जेंट ब्रेक आ गई है। ठीक है, तो वो ब्रेक पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।